नमस्कार, स्टेटम न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालेंगे दिन भर की बड़ी गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुलमर्ग में दूसरे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का उद्घाटन करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को शीत खेलों का गढ़ बनाने की दिशा में ये अहम कदम है। 2 मार्च को खत्म हो रहे इन खेलों में 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वीर सरवारकर जी को उनकी पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने उनके योगदान को भी याद किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद शुक्रवार को जम्मू के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं। इस मौके पर लोगों ने उनका जमकर जोशोखरोश के साथ स्वागत किया और फूलों की वर्षा भी की। कांग्रेस नेता कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने जीएसटी को सिंप्लीफाई करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इन्होंने जीएसटी काउंसिल मेंबर्स को अपील की कि वो जीएसटी को सिंप्लीफाई करें ताकि इन्हें जो परेशानियां पेश आ रही हैं उनसे निजात मिल सके। पीओजे के रिफ्यूजीज ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। ये लोग जेपीसी रिपोर्ट को जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रीनगर के सफाकदल चौक में एक 3 मंजिला बिल्डिंग को अचानक आग लग गई। आग के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। शिवसेना बाला साहेब ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर प्रदर्शन किया। इन लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। त्रिकुटा नगर में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर त्रिकुटा नगर वार्ड के कई लोगों ने इस कैंप में भाग लेकर अपने हेल्थ कार्ड बनवाए। जेएनके नॉन गैजेटेड इलेक्ट्रिक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन किया। ये लोग प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे। स्टेट टाइम न्यूज में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।